एक आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान है अभी, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मोदी जी चला रहे हैं, जी, उसका मेन फोकस है साफ करने पे जी, पर साफ रखने पे भी किसी का फोकस नहीं। तो मैं मेनली साफ रखने पे काम कर रहा हूँ। हर देश की अपनी खासियत है, कल्चर वाइज तो इंडिया से ज्यादा रिच कोई नहीं है, चाहे कितना भी चले जाओ। हाँ, इंडोनेशिया और वियतनाम में थोड़ा कल्चर देखने को मिलता है, बट इंडिया जितना कहीं नहीं मिलेगा आपको। आई एम वेरी हैप्पी टू से आई एम द फर्स्ट ट्रैवलर फ्रॉम जम्मू जो साइकिल पे ट्रैवल करता है। अगर आप बात करने में सबसे प्यार से बात करते हैं ना, आपका दुश्मन कोई आपका बुरा भी चाह रहा है ना, वो भी आपको बुरा नहीं करेगा। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। यंग बाइट्स की सीरीज में हम आपको हमेशा अलग अलग पर्सनालिटी से जो है रूबरू करवाते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको जिसे मिलवाने जा रही हूँ वो साइक्लिस्ट कम एनवायरमेंटलिस्ट हैं। और आपको बता दें कि अभी तक 8 कंट्रीज में जो है ये जा चुके हैं, अपने लेक्चर जो है वो डिलीवर जो है वो कर चुके हैं। हमारे साथ विजय भास्कर जो जुड़े हैं, जो कि जम्मू के अखनूर के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। मुझे बताओ विजय, किस तरह से आपने अपनी ये शुरुआत की, अभी तक 8 कंट्रीज में जो आप अभी तक जा चुके हैं। जी, मेरा सफ़र की शुरुआत हुई थी आज से 3 साल पहले, यू कैन से 2020 और 2021 के बीच में, कोविड के बाद में। और इट्स बीन नाउ 3 ईयर्स और अभी मैं 8 देशों का सफर कर चुका हूँ और अगेन आई मूविंग टुवर्ड्स सिंगापुर। जी, तो क्या क्या मोटिव लेकर आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के बारे में भी लोगों को जो है वो जानकारी आप देते हैं, जागरूक करते हैं, तो क्या कहेंगे कि कितना रिस्पांस जो है मिलता है, और शुरुआत आपने इसकी कब की थी? शुरुआत मैंने अपनी जर्नी के साथ ही की थी। मेनली मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी वो एनवायरनमेंट पे था। सो जैसे कि अगर मैं मेनली काम करता हूँ ट्रैश मैनेजमेंट, गार्बेज कंट्रोल, रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, आई मीन कि एक आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान है अभी, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मोदी जी चला रहे हैं, उसका मेन फोकस है साफ करने पे जी, पर साफ रखने पे भी किसी का फोकस नहीं। तो मैं मेनली साफ रखने पे काम कर रहा हूँ। जी, तो किस तरह का रिस्पांस जो है वो आपको, ऑल ओवर कंट्रीज आप गए, इतनी सारी कंट्रीज आप घूम के आए, अभी आपने आगे कहाँ जाना, तो रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है आपको? सो फॉर नाउ अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग अच्छे समझ रहे हैं, और आई एम रियली प्राउड टू से कि अभी तक बहुत सारे स्कूल्स हैं जो उस चीज को अपने करिकुलर एक्टिविटीज़ में ऐड कर चुके हैं, वो चीज़ें जो मैंने उनको दी हैं टिप्स और ट्रिक्स जी, तो अपने स्कूल की करिकुलर एक्टिविटीज़ में ऐड कर चुके, क्योंकि मुझे लगता है एनवायरनमेंट आजकल का ऐसा रह गया कि अगर आप स्कूल में भी हर कोई पढ़ रहा है, पर आज क्या है कि आप स्कूल में पढ़ते हो और वो एक ऐसा रह गया कि आपको स्कूल में पढ़ना है, पास होना है, दैट्स इट, दिस इज एनवायरनमेंट। बट नहीं, उसके अलावा भी एक है जी, तो हमको बच्चों को फैमिलियर बनाना पड़ेगा एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा हो सके। तो उसके लिए जब तक हम उसको अपने स्कूल के अपने रेगुलर लाइफ की करिकुलर एक्टिविटी में ऐड नहीं करेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं ना कि हम किसी भी काम को जब शुरू करते हैं उसकी शुरुआत जो है वो घर से ही होनी चाहिए। तो आपके घर की बात की जाए तो आपको किस तरह से लगा कि आपको नेचर के साथ जुड़ना चाहिए और इस तरह से नेचर का जो है संरक्षण करना चाहिए? इसकी शुरुआत मेरे घर से हुई थी, पर वो घर नहीं जहाँ मैं रहता हूँ, वो घर जिस देश में मैं रहता हूँ वो मेरा घर है। सो लाइक फ्यू इयर्स बैक व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड, वहाँ पे मेरे को एक दोस्त मिला मेरा फ्रांस का, जॉरिश, ही इज एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो मैंने उससे पूछा, बिकॉज ही वाज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैंने जॉरिश यार व्हाट वाज योर नैरेटिव बिफोर कमिंग टू इंडिया, व्हाट डू यू फील नाउ, हाउ इज इंडिया, तो मैं उसे थोड़ी तारीफ कर देगा भारत की, तो मुझे एक्स्ट्रा खुशी मिल जाएगी क्योंकि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ पहले से। तो ही वाज लाइक यार बिफोर आई वाज लाइक इंडिया इज वेरी पोअर कंट्री, भारत बहुत गरीब देश है, बट इंडियंस हैव अ लॉट ऑफ मनी, कहीं से गरीब नहीं है, पर इंडियंस को तमीज नहीं है। जहाँ देखो वहाँ कच्चा फेंक रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बिना बारिश के बाढ़ आ रखी है और हज़ारों चीज़ें हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार ये तो चलो है, क्योंकि मैंने देखा है वो। देन ही सेड कि यार ये करके ना तुम लोग अपने लिए तो मुसीबत हो ही, हमारे लिए मुसीबत यार, वी एस इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड, लोग हमसे क्या नहीं सीख रहे, हमारे ड्रेसिंग से, हमारा कल्चर, हमारा योगा, हमारा आयुर्वेदा, सो मेनी थिंग्स, हमारा खाना पीना, हमारे मसाले, मतलब कितनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं ना। सो वी एस इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड, हम किसी लिए मुसीबत कैसे हो सकते हैं। डेट वाज मोमेंट कि यार अभी तो कुछ करना पड़ेगा। And from there this journey started. तो साइकिलिंग को लेकर जैसे साइकिलिस्ट आप हैं तो किस तरह से, क्योंकि लोग अपना अपना ड्रीम रहता है लेकिन साइकिलिंग का भी काफ़ी ज़्यादा वो क्रेज़ रहता है कि साइकिल पे जाना है, तो कितना डिफिकल्ट रहता है एक साइकिलिस्ट के लिए इस तरह से ट्रैवल करना, ऑल ओवर इंडिया आप घूमे हैं, इतनी सारी कंट्रीज आप हो आए हैं और आगे भी आप कहाँ जाना है आपने? घूमना तो साइकिल तो छोड़ दीजिए, गाड़ी में घूमना वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आजकल, तो साइकिल पे तो सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है कुछ। बट आई थिंक जब आप किसी को करने के लिए मन बना लेते हैं, हो जाती है कि आप मुझे करना ही करना, फिर आपके लिए बाकी सब चीज़ आसान हो जाती है जी। और फिर जब आपको आगे से अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो फिर आपके लिए तो और आसान। तो कहाँ कहाँ गए हो अभी तक आप और हर जगह का किस तरह का आपने कल्चर देखा और क्या कुछ पसंद आपको हर एक कंट्रीज में अलग अलग तरीके की आई? हर देश तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, हर जगह की एक अलग स्पेसिफिकेशन है। अगर आप जम्मू की बात करें, जम्मू और अखनूर में भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ की अलग स्पेसिफिकेशन है, जम्मू का अलग खासियत है जी। तो हर देश की अपनी खासियत है, कल्चर वाइज तो इंडिया से ज़्यादा रिच कोई नहीं है, चाहे कितना भी चले जाओ। हाँ, इंडोनेशिया और वियतनाम में थोड़ा कल्चर देखने को मिलता है, बट इंडिया जितना
कहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत वर्सेटाइल है इंडिया। तो अभी तक कौन कौन सी कंट्रीज में आप गए हैं, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बताइए। मैं लाओस, इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, फिलीपींस, 8 देशों में गया। तो कितना अच्छा आपको लगा और कितनी डिफिकल्टीज, क्योंकि जब हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जब भी कोई आता है तो उसको बड़े प्यार से रखते हैं, तो बाहर की कंट्रीज में क्या लगता है कि जिस तरह से हम यहाँ पे रहते हैं, हमें लगाव एक दूसरे के साथ, तो क्या बाहर वाली कंट्रीज में भी इसी तरह से रहता है? जी बिल्कुल, जैसा भारत हमारा सब जगह पे ऐसे सब लोगों को जो भी आते हैं उनको भी बहुत अच्छे से वेलकम, एटलीस्ट मुझे तो बहुत प्यार से वेलकम किया गया हर देश में। बहुत ज़्यादा लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं जानने की, अच्छा है वहाँ से आओ, साइकिल से आगे, साइकिल का रास्ता है क्या, और सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, दे आस्क मी सो मेनी क्वेश्चंस। तो डायरेक्शंस कैसे रहती है, वो नेविगेशन लेकर या गूगल मैप के अकॉर्डिंगली चलते हैं या क्या कुछ कहेंगे? अभी तो बहुत आसान हो गया कहीं भी ट्रैवल करना, अभी तो जगह जगह पे साइन बोर्ड लगे। शुरुआत कब की थी, कितने साल पहले? 3 ईयर्स बैक। 3 साल में आप इतनी सारी जगहों पर घूम चुके हो, तो एक दिन में कितना ट्रैवल कर लेते हो? अगेन डिपेंड्स ऑन कि अगर लेक्चर सेमिनार्स हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही शहर में 4-4 लेक्चर्स होते हैं तो उस दिन कम हो पाता है, बट 20 से 200 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो कैसे कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं आपसे कि आप यहाँ पर लेक्चर के लिए आओ? मेल आईडी हो गया या सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट, जैसे कि अगर मैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ तो जैसे आप मीडिया पर्सन हो, आप बाकी उससे कनेक्टेड हो गए, तो जब जहाँ भी मेरा कहीं सेमिनार होता है तो वो लोग दूसरे कॉल करते हैं, यार अगर आपके वहाँ पे जिन्होंने लेक्चर थे वो उनको हमारे यहाँ भेजो, तो ऐसा। अब जब भी जैसे किसी व्यक्ति को जाना हो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो या ऑल ओवर इंडिया ही घूमना हो, तो एक क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरत की रहती है कि हमें साथ लेके ही कार्य करनी पड़ती है? वो किस चीज़ पे घूमना चाहता है पहले तो वो डिपेंड करता है। साइकिल पे होगा क्योंकि बड़े सारे हम ऐसे देखते हैं, हम ज्यादातर साइकिल्स पहले देखते थे कि बाहरी राज्यों से जो आते थे वो जो घूमते थे अन्य राज्यों में जाते थे, लेकिन जम्मू से बहुत कम ऐसे साइकिलिस्ट जो है मैंने सुने हैं, देखे हैं, यहाँ लोगों से भी हमने रूबरू करवाया। आई एम वेरी हैप्पी टू से आई एम द फर्स्ट ट्रैवलर फ्रॉम जम्मू जो साइकिल पे ट्रैवल करता है, पहली चीज तो ये। और हाँ, अगर आप जम्मू से हैं और इफ़ यू वांट्स टू ट्रैवल ऑन साइकिल तो आपके पास कुछ चीज़ें जो कंपलसरी होनी चाहिए, अगर आप बजट ट्रैवलर हो मेरे जैसे, तो अब पापा के परे हैं तो मुझे नहीं पता कितना पैसा लगी मुझे, बट अगर मेरे बजट ट्रैवलर है देन यू मस्ट नीड अ टेंट, स्लीपिंग बैग, और ये तो बहुत कंपलसरी, बाकी आपका रेगुलर यूज़ वाले जो कपड़े हैं वो होना ही चाहिए, बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है फर्स्ट एड किट। तो एटलीस्ट अपने लिए और अपनी साइकिल का जो फर्स्ट एड किट, जैसे मैं कहता हूँ टूल किट जो साइकिल का होगा अपना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो कभी जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम स्टक हो जाते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपको इतने जो आप इतनी जगहों पर गए हुए आपको लगा है कि ऐसा होता है, या जो शुरू कर रहे हैं साइकिलिंग करना, या मतलब साइकिलिस्ट जो बनना चाह रहे हैं या जाना चाहते हैं साइकिल पे अलग अलग जगहों पर, तो उन्हें क्या कुछ आप प्रिकॉशंस देंगे कि ज़रूर रखें साथ में? प्रिकॉशंस रखने की जगह मैं भाई बताऊंगा कि अपनी आवाज़ जो है ना, बोली, उसको जितना मीठा रखेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आप बात करने में सबसे प्यार से बात करते हैं ना, आपका दुश्मन कोई आपका बुरा भी चाह रहा है ना, वो भी आपका बुरा नहीं करेगा। बिल्कुल। और बाकी जगहों पर स्टक होने की बात तो मुझे नहीं लगा अभी तक मैं कहीं पर ऐसा फंस गया हूँ, बट हाँ सिचुएशन आए थे कि आप साइकिल पे हैं और कहीं कहीं ऐसा कि अगले 50-50 किलोमीटर्स तक आपके पास कोई साइकिल की दुकान नहीं है, या अगर आपका ऑन द वे अगर आप सडनली बीमार पड़ गए, तो आपके लिए आपको हमेशा घर से निकलने से पहले आपको एक मेंटली उतना प्रिपेयर रहना है कि मुझे साथ कुछ भी हो सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। घर वालों से दूर रहते हैं, क्योंकि जब आप कहीं जाते हो घर वालों से दूर रहते हो, घर वाले शिकायत नहीं करते हैं कि यहाँ घर वालों ने निकाल दिया बार की भाई तू जा बाहर लोगों के समाज? दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा मुझे सेमिनार्स में भी, क्योंकि मेरे सेमिनार्स में क्या होता है एक लेक्चर्स जब हो जाते हैं उसके बाद एक क्यूने सेशन भी करता हूँ, तो हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि घर वाले एग्री कैसे हो गए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उनका बेटा एक साइकिल लेके ऐसे फिरे, जो डोगरी कहते हैं ना इधर उधर फिरा मुंडा सारा, तो वो कोई नहीं चाहेगा, बट एट द सेम टाइम लाइक देन आपको कन्विंस करना पड़ता है, और इट डिपेंड्स ऑन कि आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है पास्ट का, कि आपने क्या कांड किए हैं या कैसे रहे हो, कि अगर उनको पता है कि लड़का हर जगह लड़ाई कर लेता है तो देन दे वांट एग्री कभी भी, कितना भी। सारे घर वाले चाहते हैं कि हमारा बेटा है वो शादी करे, घर पे बहू लेकर आए, अपना परिवार बढ़ाए, और आप घूमने के लिए निकले हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे गए कोई पसंद आ गई और सोचा कि इसको भी साइकिल बिठा के ले चलूं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली, ऐसा। उम्र क्या आपकी? 20 ईयर्स। अच्छा, अभी 20 साल का भी काफी टाइम है आपके पास, पर घर वाले हमेशा ऐसा चाहते हैं कि उनका, मेनली घर वाले डरते नहीं है, वो ये चाहते हैं कि उनका बेटा सक्सेस हो जाए, कभी आगे उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। कि तो कितना बजट लेके जो है चलना पड़ता है जब भी आपने कहीं ट्रैवल करना है, क्योंकि हम किसी गाड़ी ले लेंगे या कहीं भी हम ट्रैवल करने जाते हैं तो बजट का काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो कभी ऐसा भी होता है कि भाई जो पॉकेट मनी है वो ख़त्म हो गई है या आपका जो बजट है वो थोड़ा हिल गया है, तो कैसे मैनेज कैसे करते हो? दिस इज़ वेरी सीक्रेट, मैं सबको बताता हूँ कि आज तक
मुझे नहीं लगता, मैं जब मैं फर्स्ट ट्रिप पे निकला था तो मैं घर से सिर्फ 3,000 रुपये लेके निकला था इन माई पॉकेट, और चाहे मेरा अकाउंट में जो भी था टोटल 3,000 था। और फिर मैं एक साल के बाद घर आया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझ इंडिया में अगर आप घूम रहे हो या इंडिया के बाहर भी, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, इंडिया में जब घूम रहे हो तो आपको खाने पीने की कहीं कमी नहीं होगी कहीं भी, और इंडिया के बाहर जा रहे हो तो आपको प्यार की कहीं कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिया के बाहर जो इंडियन रहता है ना वो जैसे आपको जैसे ही आपको वो देखे ना उसको लगे मेरे मामा का बेटा आ गया मेरे घर पे, तो वो आपको हर एंगल सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली चाहे इमोशनली चाहे मेंटली, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो सब सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया में आपको खाने का दिक्कत नहीं होगी, इंडिया के बाहर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा घर से बस सबसे इंपॉर्टेंट आपका वो करेज होना चाहिए कि आप घर से निकल सको और उतनी देर तक ट्रेवल कर सको, उतना विल पावर आपके पास है तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बजट का तो इतना अभी नेक्स्ट आपने क्या सोचा है कहाँ पे जाना है? मैं नेक्स्ट वीक निकल रहा हूँ सिंगापुर के लिए। सिंगापुर के लिए निकले तो कितना एक्साइटेड है? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिंगापुर राइड में 6 महीने दे चुका हूँ और अभी आगे कंटिन्यू करूँ, मुझे इमरजेंसी में घर आना पड़ा है। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सिंगापुर, क्योंकि वो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सिंगापुर है, वहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट के लिए ही बुलाया गया है क्योंकि मैं एनवायरमेंट में काम कर रहा हूँ। सिंगापुर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो मैं उसके लिए वहाँ पे जा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि वहाँ पे क्या होने वाला है। दैट्स लाइक सिंगापुर से जब ये जम्मू आएंगे तब भी फिर इनसे आपको इंटरेक्ट जरूर करवाएंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिलहाल सेमिनार्स करते हैं, लेक्चर करते हैं कई सारी जगहों पर, आप जिस तरह से गए हैं लोग पसंद भी करते हैं, सुनते भी हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन हमारी बात की जाए तो हम लोगों के लिए डिपार्टमेंट अपने अपने स्तर पर काम करता है, लेकिन अभी भी हम जो है अपने एनवायरमेंट को साफ सुथरा नहीं रखते, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो कमियां खामियां कहाँ हैं, समझाने वाले पे या समझने वाले पे? जैसे मैंने बोला स्वच्छ भारत अभियान जो अभी भी चल रहा था, बहुत अच्छे से उस पर काम किया गया, बट उसका वो रिजल्ट नहीं आ पाया जो आना चाहिए था। उसमें कमी कहाँ रहेगी, अगर आप एक कहावत है बहुत पुरानी कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ जब जुड़ेंगे तब ताली बजेगी। तो गवर्नमेंट जो अपने लेवल पर कर रही है वो काम क्या कर रही है, स्वच्छ भारत का मेन मोटो था कि साफ करना है और उन्होंने कहा था कि 2019 तक उसको साफ कर देंगे, बट नहीं कर पाए। क्यों? अब मान लीजिए आपके अगर घर पे जो पेरेंट्स है वो साफ कर रहे हैं और आप उसको साफ नहीं रख रहे तो क्या फायदा उसका जी, ना? साफ करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट साफ रखना, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, कि अगर आपने साफ रखना चालू कर दिया साफ करने वाला जो झंझट है ना वो खत्म हो जाएगा। तो हमारी कमी यहाँ पे आई कि सरकार जो करना चाहिए साफ तो कर दे रहे हैं, बट हम लोग वी आर सिटीजन ऑफ द कंट्री हम लोग साफ रख नहीं रहे। जैसे यहाँ पे देखो बच्चे हैं, किसी टीचर ने नहीं बताया कि वो बच्चे वहाँ पेपर फाड़ के नहीं फेंकना, अगर उनको ये बताया गया होता बच्चों को उतना अवेयर किया जाता स्कूल में एनवायरमेंट में उसका करिकुलर एक्टिविटीज में ऐड किया तो बच्चे नहीं फेंकते। अब इसको कल फिर कोई साफ करने वाला आएगा, हो सकता है यहीं पर कहीं इकट्ठा कर दे फिर वो हवा से फिर उड़ जाएगा, फिर वो बाहर जाएगा। तो वही ना, शुरुआत हमें खुद से ही करनी चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, जिस दिन हमने घर से शुरुआत करना चालू कर दी और कहानी खत्म हो जाएगी और उस दिन हम लोग को एक बड़ा चेंज ला पाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस जो है इन्होंने शेयर किया और बताया कि किस तरह से इन्होंने अपना सफर जो है वो 3 साल पहले शुरू किया था और एनवायरमेंट को संरक्षित करने के लिए कितने सारे कदम जो है सेमिनार जो है इनके द्वारा किए गए, और उन्होंने काफी खूबसूरत मैसेज जो है वो दिया है कि साफ करने से बेहतर है साफ रखना, क्योंकि हम जो है शुरुआत अपने घर से ही करते हैं और अगर हम हमारी शुरुआत जो है घर से ही अच्छी रहेगी तो हम आगे जाकर भी जो है उसको और अच्छे से कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं बात की जाए इन लोगों की तो लोगों को एक जिम्मेवार नागरिक होने का फर्ज भी अदा करना चाहिए, अपने बच्चों को भी जो है बताना चाहिए कि किस तरह से हम अपने एनवायरमेंट को साफ सुथरा रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आपको इनके द्वारा दिया गया मैसेज जो है ज़रूर पसंद आएगा और आज ही आप ये ठान लेंगे कि आपको अपने एनवायरमेंट को बिल्कुल साफ रखना है और स्वच्छ अपना भारत बनाना है। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक आप देखते रहें।